हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आपने लर्निंग लाइसेंस मोबाइल से कैसे अप्लाई करना है। अप्लाई करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको नहीं पता तो अगर आपने ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना है तो सबसे पहले आपको एक लर्निंग लाइसेंस अप्लाई करना होगा। उसके लिए आपको एक अपना आधार कार्ड चाहिए और आप अपने मोबाइल से अप्लाई कर सकते हैं, और अपना जो एग्ज़ाम है वो भी आप अपने मोबाइल से दे सकते हैं। आप मोबाइल से तब एग्ज़ाम दे सकते हैं जब आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होगा, तो क्योंकि ऑनलाइन KYC होगी आपकी, उसके लिए आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होना कंपलसरी है। नहीं तो आपको RTO ऑफिस में जाना पड़ेगा, वहां पे आप जाकर टेस्ट देंगे। तो अगर आप अपने मोबाइल से टेस्ट देना चाहते हैं तो आपको पहले मोबाइल नंबर अपना आधार कार्ड से लिंक करवाना पड़ेगा, और जब आपका लर्निंग लाइसेंस बन जाएगा उसके एक महीने के बाद आप अपना परमानेंट जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो अप्लाई कर सकते हैं। और जो लर्निंग लाइसेंस की वैलिडिटी होती है वो 6 मंथ की होती है। 6 मंथ के पहले पहले आप अपना ड्राइविंग परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं, बट आप 1 मंथ के बाद भी अप्लाई करेंगे उसको। और आज हम इसी वीडियो में बात करेंगे लर्निंग लाइसेंस की, अपने अप्लाई कैसे करना है, और जो आपने लाइव टेस्ट देना है वो भी आप मोबाइल से आप देखकर दिखाएंगे कैसे। आपने जो ऑनलाइन टेस्ट देना है वो भी हम मोबाइल से देखकर दिखाएंगे, क्योंकि हमारा आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है इसलिए हम टेस्ट भी ऑनलाइन ही देंगे। सबसे पहले आपको कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है। सो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल से नए आए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो साथ बेल आइकन की ऑप्शन यहाँ पे आ रही है, जहाँ पे आप ऑल पे क्लिक करेंगे, इसका बेनिफिट ये होगा आपको, आप हम जो भी वीडियो लेकर आएंगे नई, उसका जो अपडेट है सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। सो वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउज़र एक ओपन कर लेना है। यहाँ पे हम लिखेंगे परिवहन, यहाँ पे हम परिवहन लिखेंगे। आप किसी भी स्टेट से हो जो लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। जो सबसे पहले वाली साइट आ रही है हम उस पर क्लिक करेंगे। आफ्टर दैट जहाँ पे आपने ऑनलाइन सर्विस पे क्लिक करना है, नीचे आपको यहाँ पे शो हो रहा है ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज, सेकंड वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे लर्निंग लाइसेंस की ऑप्शन आ रही है ऊपर, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपने क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर न्यू लर्निंग लाइसेंस, यहाँ पे ऊपर भी ऑप्शन आ रही है, नहीं तो आप साइड पे भी देख सकते हैं, नीचे भी ऑप्शन आ रही है अप्लाई फॉर लर्निंग लाइसेंस पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हम जहाँ पे एक आपको मिल जाएगा फॉलोइंग और दिस स्टेज, कितनी स्टेज होती हैं इसकी, फॉर्म सबसे पहले फिल होगा, उसके बाद आपकी अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर। ये फ़ोटो एंड सिग्नेचर तब अपलोड होंगे जब आप नॉन KYC आधार से अप्लाई करेंगे। जब आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक है तो आपको ओनली अपने सिग्नेचर अपलोड करने की ज़रूरत पड़ेगी, आपको फ़ोटो की ज़रूरत नहीं है अपलोड करने की, क्योंकि आधार कार्ड वाली फ़ोटो ऑटोमेटिकली वो उठा लेता है। उसके बाद आपने अपलोड डॉक्यूमेंट करने हैं, फीस पेमेंट करनी है, आफ्टर दैट आपने वेरीफाई दी पेमेंट स्टेट्स करना है, आफ्टर दैट आपने प्रिंट दी रिसिप्ट कर लेनी है, LL स्लॉट बुक अपने तब करना है जब आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक नहीं है, नहीं तो कोई भी ज़रूरत नहीं है आपको। हम अप्लाई करेंगे लर्निंग लाइसेंस, उसके बाद आपने पेपर दे देना है, उसके बाद आप डाउनलोड भी ऑनलाइन ही कर सकते हैं इसको। आफ्टर दैट जहाँ पे आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है, जब आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे सबसे पहले आपको यहाँ पे कैटेगरी आ रही है, आपने यहाँ पे जनरली रहने देना है, इसको कुछ नहीं करना, इसको हम जनरली रहने देंगे। उसके बाद जहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेंट डज नॉट होल्ड एनी ड्राइविंग लर्निंग लाइसेंस इशू इन इंडिया, आपका कोई भी लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस कोई भी होल्ड नहीं है, हम इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना RTO सेलेक्ट करना है, RTO सेलेक्ट करेंगे हम जहाँ पे। उसके बाद आपने यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप
आधार कार्ड OTP से कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना। अगर आप विदाउट eKYC से कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे अपना सेवा केंद्र सिलेक्ट करना पड़ेगा और वहाँ पे आप जाएंगे तो और आप वहाँ पे आप टेस्ट देंगे। सबसे पहले आपने यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना क्योंकि हम आधार कार्ड eKYC से कर रहे हैं। सबमिट करेंगे इसको। सबमिट करने के बाद आप यहां पे देख सकते हैं सबमिट बाय आधार ऑथेंटिकेशन। हम फर्स्ट वाली ऑप्शन क्लिक करते हैं, उसके बाद सबमिट करेंगे। इफ़ योर मोबाइल नंबर हैज़ बीन चेंज्ड प्लीज़ गेट न्यू नंबर मोबाइल नंबर लिंक। एक बोल रहे हैं आपका जो मोबाइल नंबर है आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए क्योंकि उस पर OTP आएगा। आफ्टर दैट यहाँ पे आपने आधार कार्ड नंबर सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपके पास वर्चुअल ID है आप जे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास आधार कार्ड नंबर है, हम जहाँ पे आधार कार्ड नंबर फिल करेंगे। आधार कार्ड नंबर फिल करने के बाद जहाँ पे आप जनरेट OTP क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, यहाँ पे आपने एंटर कर देना है। OTP फिल करने के बाद जहाँ पे आप इस सभी ऑप्शन को टिक करेंगे, आफ्टर दैट जहाँ पे आपने ऑथेंटिकेट यहाँ से कर देना है, उसके बाद जहाँ पे आप देख सकते हैं आधार कार्ड से उसने आपका सारा डाटा उठा लिया अपने आप से। हम नीचे आएंगे, यहाँ पे अपना जो एड्रेस है सो चेक कर लेंगे एक बार। आफ्टर दैट जहाँ पे आप अपना प्रोसीड करेंगे, प्रोसीड करने के बाद जहाँ पे आप देख सकते हैं RDO ऑफिस जहाँ पे आ गया है और पर्सनल डिटेल में अपना नाम आ गया है, रिलेशन में अपना फादर नेम है जहाँ पे आ गया है। यहाँ पे सारा कुछ ऑटोमेटिकली फिल होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लेस ऑफ बर्थ जहाँ पे ऑप्शन आ रही है, यहाँ पे इसको आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पे फिल भी कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेनी है। आफ्टर दैट जहाँ पे आप अपना ब्लड ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको पता है तो जहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको अननोन भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना लैंडलाइन नंबर लिखना है तो लिख सकते हैं, इसको भी ब्लैंक छोड़ सकते हैं। आफ्टर दैट जहाँ पे आप अपनी मेल ID फिल करनी है और उसके बाद जहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर फिल करना है जो आपका आधार कार्ड से लिंक है। उसके बाद जहाँ पे आप अपना एक एमरजेंसी मोबाइल नंबर फिल करना है। आफ्टर दैट जहाँ पे आप अपना आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, कोई भी कट का निशान आपका के चेहरे के ऊपर है, कोई आपके गांव वगैरह है तो जहाँ पे आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसको जहाँ पे नो लिख सकते हैं तो नो लिखेंगे। तो उसके बाद जहाँ पे आप देख सकते हैं अपना प्रेजेंट एड्रेस, आप जहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे अपना सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है सबसे पहले तो आपने, उसके बाद जहाँ पे अपने तहसील सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद जहाँ पे आपने अपना विलेज सेलेक्ट करना है, हाउस नंबर अगर आपका है तो जहाँ पे लिख सकते हैं, एड्रेस आपने यहाँ पे अपना लिख सकते हैं अगर है तो, जहाँ पे आप एडिट इसको कर सकते हैं। उसके बाद जहाँ पे आप देख सकते हैं ड्यूरेशन ऑफ स्टे एट प्रेजेंट एड्रेस, आप कितने टाइम से इस पर एड्रेस पे रह रहे हो, इसको आप लिख भी सकते हैं, इसको आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। और उसके बाद हम जहाँ पे बिल्कुल नीचे आएंगे, नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे आप प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की, यहाँ पे आप सिलेक्ट करना है आपको कौन सा लाइसेंस बनाना है, मोटरसाइकिल विदाउट गियर बनाना है या आपने मोटरसाइकिल विद गियर बनाना है या लाइट मोटर व्हीकल। हमने यहाँ पे मोटरसाइकिल विद गियर बनाना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और एक हमने लाइट मोटर व्हीकल भी बनाना है, हम दोनों पे टिक कर देंगे। यहाँ पे टिक करने के बाद जहाँ पे आप इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, और सिलेक्टेड नीचे आए कि हम इन दोनों पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ से हम इसको क्लिक करेंगे।
और जहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं टू सिलेक्टेड हो गए हैं हमारा, एक तो मोटरसाइकिल विद गियर वाला था और एक था कार वाला, जो दोनों सिलेक्ट हो गए हैं। उसके बाद आपने अगर इज़ दी एप्लीकेंट ट्रेन फ्रॉम ड्राइविंग स्कूल, जहाँ पे आप टिक करेंगे, अगर आपने कोई ट्रेनिंग ली हुई है ड्राइविंग स्कूल से इसको आप टिक कर सकते हैं, नहीं इसको आप ऐसे ही ब्लैंक छोड़ेंगे। आफ्टर दैट जहाँ पे आपने सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म 1 पे क्लिक कर और जहाँ पे आप डिक्लेरेशन फॉर्म पे क्लिक करने के बाद आपको ऐसी विंडो शो होगी, जो फर्स्ट वाली ऑप्शन आ रही है उसको आपने नो कर देना है और जो सेकंड वाली ऑप्शन आ रही है इसको हम करेंगे यस और जो बाकी की ऑप्शन है सभी को हम नो करेंगे। एक बार इसको आप ऐसे रीड आउट भी कर सकते हैं, वैसे मैंने ये रीड की हुई है पहले से इसलिए मैंने इसको सभी को नो कर दिया है। आप एक बार इसको रीड आउट करके ही चेकआउट करिए। उसके बाद आप जहाँ पे आप सबमिट करेंगे, आर यू श्योर टू सबमिट द सेल्फ डिक्लेरेशन एज ए टू फिजिकल फिटनेस, यस ओके करेंगे इसको और जो हमारा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है ये सक्सेसफुली सबमिट हो गया है, इसको आप करेंगे बैक। बैक करने के बाद अगर आपने ये आई एम विलिंग टू डोनेट इसको आप नो करेंगे, अगर आपने ऑर्गन आप डोनेट करना चाहते हैं डेथ के टाइम इसको यस भी कर सकते हैं नो भी कर सकते हैं। नीचे हम इसको करेंगे एग्री। एग्री करने के बाद जहाँ पे आप इसको करेंगे सबमिट करेंगे, जो एंटर्ड मोबाइल नंबर एज दिस नंबर इज़ बीइंग यूज्ड फॉर ऑल कम्युनिकेशन पर्पस, ओके टू प्रोसीड पे हम क्लिक करेंगे। योर एप्लीकेशन हैज़ बीन एक्सेप्टेड इसको करेंगे हम ओके एंड दोबारा से फिर इसको ओके करेंगे। कंग्रेचुलेशन योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिट सक्सेसफुली इसको हम करेंगे ओके। जो आपकी एप्लीकेशन रेफरेंस स्लिप है जी आ गई है इसको आप डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा प्रिंट एक्नॉलेजमेंट पे करेंगे हम क्लिक। इसको इसकी जो पीडीएफ है हमको इसको पीडीएफ में सेव कर लेंगे। और एक बार हमें आएंगे इसका बैक, उसके बाद हम करेंगे इसको नेक्स्ट पे क्लिक। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा एप्लीकेशन नंबर आ गया है, यहाँ पे हम कैप्चा फिल करेंगे और कैप्चा फिल करने के बाद जहाँ पे आप इसको सबमिट करेंगे सबमिट करने के बाद आप जहाँ पे देख सकते हैं हम नीचे आएंगे अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर पे क्लिक करेंगे, इसको करेंगे प्रोसीड पे क्लिक। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद जहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल नीचे आएंगे, यहाँ पे आपकी जो फ़ोटो है आधार कार्ड वाली उठा ली है और अगर आपने जहाँ पे सिग्नेचर हमको अपलोड करने पड़ेंगे, सिग्नेचर का साइज जहाँ पे लिखा हुआ है फ़ोटो डायमेंशन सिग्नेचर डायमेंशन जहाँ पे लिखी हुई है इसी के हिसाब से आपने सिग्नेचर अपने बना लेने हैं। इसकी मैंने वैसे ना एक वीडियो भी सेपरेट बनाई हुई है, उसका जो लिंक है मैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कैसे आपने ये सिग्नेचर का साइज सही करना है, उसकी जो वीडियो है मैंने पहले से बना रखी है आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर सकते हैं, जिसका साइज है 10 KB से लेकर 20 KB होना चाहिए। हम करते हैं इसको ब्राउज पे क्लिक और जो हमारे सिग्नेचर है वहाँ से उठा लेते हैं और इसको अपलोड कर देते हैं। उसके बाद हम जहाँ पे अपलोड एंड व्यू फाइल पे क्लिक करेंगे, जहाँ पे आप देख सकते हैं अपने सिग्नेचर अपलोड हो गए हैं, बिल्कुल नीचे आएंगे हम जहाँ पे सेव फोटो एंड सिग्नेचर पे क्लिक करेंगे। बिफोर सबमिटिंग प्लीज़ इंश्योर दैट करेक्ट रिसेंट फोटो इज़ अपलोडेड, प्लीज़ द सेम विल बी प्रिंटेड ऑन यूअर LL एंड लाइसेंस ड्राइविंग लाइसेंस से थोड़ी यही फ़ोटो जो कि प्रिंट होकर आएगी। There will be no option for replacement or editing the photo already uploaded or by to। अगर आप अपनी फ़ोटो चेंज करना चाहते हैं तो आपको अपनी पहले आधार कार्ड वाली फ़ोटो जो चेंज करनी पड़ेगी, उसके बाद ही जो आपका जो लाइसेंस है उस पर ही वो वाली फ़ोटो आएगी, इसलिए आप पहले चेक कर लीजिए। अगर आपकी फ़ोटो ज़्यादा पुरानी है आधार कार्ड पे उसको पहले आप चेंज कर लीजिए, उसके बाद ही अपना लाइसेंस अप्लाई करिए। उसके बाद हम ओके पे क्लिक करते हैं। आफ्टर दैट आपने यहाँ से नीचे आ जाना है बिल्कुल सेव फोटो एंड यहाँ पे आप करेंगे नेक्स्ट पे क्लिक। उसके बाद जहाँ पे आपने कैप्चा फिल करना है, कैप्चा फिल करने के बाद जहाँ पे आप करेंगे सबमिट।
टाइम हमें कुछ ज़्यादा लग रहा है क्योंकि हम ये मोबाइल से अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए ना टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। उसके बाद हम करेंगे फीस पेमेंट पे क्लिक, यहाँ पे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका LL स्लॉट बुक है वो आ रहा है, एक्सेप्टेड आ रहा है, क्योंकि हमने आधार कार्ड से जी अप्लाई किया है, आधार कार्ड OTP से वेरीफाई किया, इसीलिए जी आपका LL स्लॉट बुक नहीं होगा, डायरेक्ट आपका एग्ज़ाम होने लगेगा ऑनलाइन, आप कब भी एग्ज़ाम जी दे सकते हैं। सो फीस सबमिट होने के बाद जो आपका लर्निंग लाइसेंस है वो अप्लाई हो जाएगा। इसका जो टेस्ट आपने ऑनलाइन कैसे देना है उसकी जो वीडियो है मैं नेक्स्ट पार्ट में लेकर आऊँगा, क्योंकि वीडियो वैसे ही बहुत ज़्यादा लंबी बन गई, इसलिए हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर कर बोल सकते हैं, तो मैं बहुत ही जल्दी आपके लिए वो वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। सो आज हमने इस वीडियो में बात की है लर्निंग लाइसेंस आपने कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि हमने जी आपको मोबाइल से अप्लाई करके दिखाया है। सो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मैंने इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दी, अगर कोई इन्फॉर्मेशन छूट गई है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या मुझे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवाया हुआ है, आप मुझे वहां से डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। सो अगर आपको हमारी जी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। सो नाल जो ऑप्शन आपको वेल ऑप्शन का आ रहा है उसको ज़रूर प्रेस करिए, ताकि हम जो भी नई वीडियो लेकर आएँ उसका जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास आ जाए। ओके, थैंक यू गाइज़।